गुड मॉर्निंग गाइस, इस वक्त बज रहे हैं 10:10 हो गए हैं और ऑफिस का टाइम हो गया। अभी ऑफिस निकलना है, ऑफिस के बाद हम जाएंगे कुछ यूट्यूबर से मुलाकात करने, फिर उनसे मिलने के बाद हमें बनाना है अपना एडसेंस अकाउंट। मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद एडसेंस अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा। तो जो भी यूट्यूबर हो, अगर हमारा वीडियो देख रहा है तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दे कि ये कैसे पॉसिबल। हम वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो में समझ नहीं आ रहा है। बहुत से यूट्यूबर्स का वीडियो देखे हैं, उसमें टैक्स वैक्स का क्या है ये, जिसकी वजह से बन नहीं पा रहा। और पिन मैंने अप्लाई कर दिया है, पिन अभी आया नहीं मेरा। और उसमें निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह लगाना है। पासपोर्ट तो मेरा रिन्यूअल के लिए है, मतलब अभी मेरा बना नहीं है, एक्सपायर हो गया है निर्वाचन। और ये क्या बोल रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस, ये अवेलेबल है तो वो डाल के बना सकते हैं। बट दिक्कत बहुत आ रही है, एडसेंस पिन नहीं होगा तो पेमेंट कैसे आएगी, पेमेंट नहीं आएगी तो कहीं घूमने नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, ब्लॉग तो बनता ही रहेगा, मगर अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ से बाहर फ्लाई करना पड़ेगा। और आपको मज़ा भी तो देना है, मज़ा नहीं देंगे तो गुरु कैसे काम चलेगा। तो फिर चलते हैं ऑफिस, 2 घंटे का काम निपटाएंगे। और हम लोग तो मार्केट वाले हैं, ये दिन भर मार्केट में ब्लॉग भी चलेगा और काम भी चलेगा। मिलते हैं फिर ऑफिस के बाद, ऑफिस में नहीं, ऑफिस के बाद। ओके तो फैज भाई आज मुलाकात करिए, हैं फैज भाई? साढ़े सात जा रहे हैं आप? हम निकल रहे हैं। रुकेंगे नहीं, कब मिलेंगे फिर? फैज भाई आइए, आपका हेलमेट वाला काम कर देते हैं। फोन पे नहीं, नहीं। क्या फोन से नहीं हो पाएगा, कहाँ जाना है? नहीं, आप हमको लेके चलिएगा ना, हम करवा देंगे। कहाँ मिलोगे, कैसे लेकर आएंगे? शाम में मिलिए ना फिर, कल सवेरे कर लेंगे। हेलमेट नहीं है, बिना हेलमेट के मत चला करिए, एक्सीडेंट वगैरह हो गया। वो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि एक्सीडेंट से बचना तो हेलमेट, और सर्दी में तो बहुत ज़रूरी है। वो भी हेलमेट वही खरीदवा कर दिया हुआ था सिराज। अच्छा, हेलमेट लगाइए, टू व्हीलर पे सीट बेल्ट भी लगा लीजिए, ऐसे बात के चलिए सर्दी में। चलिए ठीक है ना। हमारे छोटू दादा की शूटिंग चल रही है यहाँ पे। छोटू अरे पढ़ाई पूरा हो गई, आगे का आगे आगे सही कही है। एक शॉट के लिए कम से कम कितनी बार रिटेक करना पड़ता है, देखिए छोटू दादा का। अरे भाई पढ़ाई पूरा होगी, लब आगे का, आगे का सारे पागल। ये कैमरामैन सत्यम भाई, फिर से आई शुरू से, सबसे पहले वो शुरू से भाई। एक्शन ये फिर रिटेक। अरे छोटू यहां आ का सारे गड़ाई का ज्यादा का फिर रिटेक। कितना शॉट लेना पड़ रहा है, एक सही शॉट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम यूट्यूबर्स लोग कितनी मेहनत करते हैं एक एक शॉट के लिए। देखिए कैमरामैन भी परेशान, एक्टिंग करने वाले परेशान, चौथी रिटेक है। अरे छोटू यहां आ का
अरे पढ़ाई पूरी कर अली, सारे दिमाग खराब कर दिए थे। पढ़ो ये वीडियो क्या नाम है आपका जो कमिंग है? शॉर्ट वीडियो, हम लोग रील्स वीडियो जैसे शॉर्ट्स बना रहे हैं। अभी ये कल अपलोड हो जाएगा, कल अपलोड होगा इनका। देख रहे हैं आप कितना, चौथी बार रिटेक हुआ इनका, तब जाके छोटू दादा एक आप सोचिए कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं एक एक शॉट लेने के लिए, एक एक व्यूज लेने के लिए। हम लोग वीडियो के लिए को समझ लीजिए कि 30 कम से कम 30 सेकंड वीडियो के लिए 20 मिनट तो जाता ही है, 20 मिनट समझ लीजिए चला जाता है। ऐसे ही नहीं हम लोग यूट्यूबर बने, बहुत मेहनत करते हैं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। एक मिनट के वीडियो के लिए देखिए कितना मेहनत हो रही है, एक घंटे से ऊपर लग गई। अब दूसरा शॉट, ये देखिए, इसमें बना है। मुझे धीमे बोलने के लिए बोला गया है, कैमरामैन साहब बोले जबरदस्ती क्यों की यार। एक घंटे से ऊपर हो गया है, मुझे सत्यम भाई से एक काम था एक्चुअली, तो इनसे मिलने हैं। ये शूटिंग पे ही लगे हुए हैं, जो कैमरामैन है सत्यम भाई हैं, ये है जो एक्टिंग कर रहे हैं शिवम है, और ये छोटू दादा है, और बाकी लोग का नाम तो आई डोंट नो, मालूम नहीं है। मगर एक घंटे से ऊपर हो गए इनका वेट करते करते, ये शूटिंग भी कर रहे थे। हम कहा चलिए शूटिंग कर लीजिए फिर अपना काम निपटाते हैं। ये पैकअप की तैयारी हो रही है। इधर का नज़ारा बहुत बढ़िया है, गांव एरिया में आए हैं, पोखरा तालाब, सॉरी पोखरा नहीं तालाब है, ये ताते तालाब। पोखरा दूसरी चीज होती है, ये तालाब है। ये एक तमाचा मारे वो गिर गया। गाड़ी की नहीं लड़की, गाड़ी में गाड़ी की नहीं लड़की की बात कर रहा हूँ, इसने बोला था शादी के लिए। ये दुल्हन उधर, साले मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, गाड़ी की नहीं, ये शादी के लिए बोला था। तो इनका दूसरा शॉट, फाइटिंग शॉट चल रहा है। बहुत सर्दी है बाहर, बहुत सर्दी है। अभी 11:30 बज गया, इतनी सर्दी क्या बताएं, बहुत सर्दी है। नाक वक सब जाम हो गए मेरे, और हाथ में अभी भी ग्लव्स। सर्दियां और बढ़ने वाली है, मगर स्नोफॉल इधर नहीं हो रहा, वो तो मनाली में हो रहा है। इस वक्त प्लानिंग नहीं हो पा रही है मनाली की, धुआं नहीं निकल रहा बाहर, बहुत धुआं आ रहा था। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे अच्छे वीडियो के साथ, इससे अच्छे मनोरंजन के साथ, और ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। और आज आपने देखा ना कि यूट्यूबर्स की लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती है, कितनी मेहनत करते, एक एक शॉट लेने के लिए कितनी बार रिटेक करना पड़ता है, हम लोग को एक एक व्यूज़ के लिए भी कितनी मेहनत करना पड़ता है, ढूंढते रहते दिन भर कोई अच्छा सा व्यूज़ मिले, मिलता ही नहीं। बहरहाल अच्छा मिलेगा जब यहाँ से कहीं एक्सप्लोर करेंगे। तो ठीक है, वीडियो में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल, और पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।